मैं पहुंच गया। हम लोग को सामान लेके आने दीजिए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, देखिए ऐसा पार्किंग रखा है। दोस्तों फाइनली सामान उतरना हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एकदम नीचे में है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज मैं थोड़ा देरी से जा रहा हूँ काम में क्योंकि आज जस्ट न्यू ईयर का दूसरा दिन है तो आज मार्केट में ऐसा होने वाला है नहीं दोस्तों। इतना टाइम में घर में ही था, गाड़ी वगैरह मैंने धुलाई कर लिया सब कुछ, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया। मुझे मालूम ही था आज ऐसा ही होने वाला है, तब भी जाना तो पड़ेगा दोस्तों, ड्यूटी तो ड्यूटी होता है। तो मैंने गाड़ी वगैरह पूरा धो लिया है, अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 1:30, अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। तो चले दोस्तों चलते हैं अभी डायरेक्ट स्टैंड पे, जीएस रोड जाके बैठते हैं, देखते हैं आज कोई काम मिलता है कि नहीं। ना खाली हाथ घर में आना पड़ेगा, वो भी गारंटी नहीं है, तो जाके ही समझ में आएगा। शायद कोई ऊपर वाला का दुआ से शायद कुछ मिल जाए, वही उसी के लिए जाऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अभी डायरेक्ट जीएस रोड, जीएस रोड में जाके बात करते हैं दोस्तों। जीएस रोड में जाने का बजाय मैं आ गया डायरेक्ट ऑकलैंड में, अभी बैठता हूँ दोस्तों ऑकलैंड में, देखता हूँ यहाँ से कोई कॉल वगैरह आता है कि नहीं या खाली आती जाना पड़ेगा आज। तो रुक के वेट करते हैं दोस्तों, वैसे भी मार्केट तो पूरा खाली है, ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं फटाफट आ गया, इतना टाइम भी नहीं लगा मुझे आने में। तो मुझे मालूम ही है 2 तारीख को कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं रहता है, सभी रेस्ट कर रहे होंगे अपने अपने घर में, किसी को मार्केटिंग भी करने के लिए मन भी नहीं होगा शायद आज। तब भी काम तो है, करना तो पड़ेगा दोस्तों, आना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैं आ गया। अभी बैठूंगा इस ऑकलैंड में, अगर यहाँ से कोई कॉल आ गया तो मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा यहाँ से जीएस रोड, अगर आए तो, अगर नहीं आए तो यहाँ से घर चला जाऊँगा दोस्तों। तो करते हैं वेट, देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं आज, उसी के इंतज़ार में बैठते हैं दोस्तों, मिलते हैं कोई काम आने का साथ साथ। 2 hours later. So, दोस्तों फाइनली 2 घंटा बैठने के बाद यहाँ पे एक कॉल तो आ चुका है दोस्तों, जाना है ड्रीम होम थाना रोड में, वहाँ से एक शायद टीना का अलमारी है, अलमीरा जिसको बोलते हैं, वो लेके जाना है शायद मोयोंग रिम। चले दोस्तों यहाँ से निकल के जाते हैं डायरेक्ट ड्रीम होम में, सामान ढाल के मैं दिखाता हूँ कौन सा सामान है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। पहुंच गया, हम लोग को सामान लेके आने दीजिए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, देखिए ऐसा पार्किंग रखा है, तो मुश्किल हो जाएगा सामान ढालने के लिए, तो सामान ढालना पड़ेगा फटाफट। A few moments later. दोस्तों सामान तो मैंने ढाल दिया, वहाँ पे एक गाड़ी आ गया था इसलिए मुझे फटाफट निकलना पड़ा वहाँ से, तो मैं जीएस रोड में आ गया अभी। और एक सामान है उन लोग का जीएस रोड में, तो वो भी ढालना है, क्या सामान है मालूम नहीं है, तो ढाल के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यही है सामान, देखिए ये एक स्टील का अलमीरा और ये है उषा का जो सिलाने वाला मशीन। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, जाना है मोयोंग रिम। दोस्तों मैं मोयोंग पहुंचने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है लग रहा है कुछ शायद अभी बारिश आ जाएगा, लेकिन बारिश आएगा नहीं, ऊपर पे बादल छाया हुआ है, धूप का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पे इतना ठंड लग रहा है दोस्तों, बाहर में इतना ठंड है कि क्या बोलूँ मैं। मैं जब वहाँ से निकला तो मोयोंग का जैसे देख रहा था, मैं पूरा अंधेरा होके लग रहा था कि पूरा अंधेरा होके शायद बारिश हो रहा है, लेकिन बारिश है नहीं, लेकिन ठंड कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। और जिनका सामान है वो भी मेरे साथ जा रहे हैं, बात ये है मैं जो MLP फर्स्ट बटालियन का जो गेट है वहाँ से मैं अंदर घुस गया, मेन रोड से नहीं,
वहाँ से अंदर घुस के यहाँ रास्ता लेकिन थोड़ा ख़राब है दोस्तों। और एक्चुअली जो अलमीरा में लेके आया हूँ उसमें थोड़ा मिरर लगा हुआ है, तो अगर मैं स्पीड से जाऊँगा यहाँ से तो मिरर टूटने का भी चांस है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, जब तक सामान उनका घर में नहीं पहुँच जाता सामान को अच्छा से उनका घर में ड्रॉप करना ही मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं धीरे 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 जा रहा हूँ। तो रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यार। चलिए दोस्तों बस पहुँचने वाला हूँ सामने, ज़्यादा दूर तो है नहीं, चलते डायरेक्ट चौपर। दोस्तों मैं पहुँच गया, देखिए गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है और घर है थोड़ा नीचे में, तो थोड़ा हेल्प कर लेते दोस्तों सामान उतारने के लिए उन लोग को, क्योंकि कोई भी नहीं है, वो लोग ही है अकेले। तो एक्चुअली घर थोड़ा नीचे में है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे सामान लेके जाने में, तो वही बात है। A few inches later. दोस्तों फाइनली सामान उतरना हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एकदम नीचे में है दोस्तों और उठने का टाइम फट रहा है मेरा, कुछ ज़्यादा ही ऊपर में है। चलिए दोस्तों काम तो हो गया, शायद आज एक ही काम मिलेगा और काम नहीं मिलेगा शायद, लग रहा है जैसा मुझे, तो अभी चलता है, स्टैंड पे नहीं रुकूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा जीएस रोड, वहाँ पे रुकूंगा दोस्तों। चलिए निकलता है। तो दोस्तों मैं आ गया डायरेक्ट ऑकलैंड में, अभी यहाँ पे बैठूंगा, लगता तो नहीं है और कोई काम मिलेगा आज, मुश्किल है दोस्तों, तो बैठना तो पड़ेगा ही दोस्तों, कितना वक्त तक मैं रुकता हूँ वही वक्त तक रुकूंगा, और अगर कुछ नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा दोस्तों घर में, तो बैठते हैं यहाँ पे, देखते हैं कोई काम मिलता है कि नहीं, और तो मिलते हैं दोस्तों। 2 hours later. तो दोस्तों मैं चला आया घर में, आज एक काम मिला है दोस्तों, वही बस है, क्योंकि न्यू ईयर का सेकेंड दिन कोई काम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सभी रेस्ट लिए होते हैं अपना घर वगैरह में, तो कोई भी मार्केटिंग करने के लिए आते नहीं है, वही बात है, इसलिए 2 तारीख को कोई भी काम नहीं होता है। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।